सुनो देखो मैं जा रही हूँ अपने एनुअल बर्थडे ट्रिप पे, तो चलो लेके चलते हैं। और मेरे साथ कोई है जो चाहता नहीं है कि मैं बताऊँ वो कौन है। इस बार आई एम नॉट गोइंग सोलो, तो चलो फिर चलते हैं। बताती हूँ लोकेशन थोड़ी देर में यार गाइस, एयरपोर्ट पे हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट, एंड वेलकम बैक। सो गाइस वी आर डन विद गेटिंग आवर बोर्डिंग पासेस और अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल चेक-इन्स की तरफ। और बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी नई डिवाइस पे, विच इज़ एक्चुअली माई न्यू ट्राईपॉड, विच इज़ प्रीटी कूल। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। ये सब मेरा सामान है। बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद और सारा इलेक्ट्रॉनिक निकालने के बाद फाइनली द स्टफ इज विद मी। आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। सो गाइज यू ड्यूटी फ्री पे आ गई हूँ मैं। मैंने कर लिया है चेक इन एंड देयर स्टिल लॉट ऑफ टाइम टू द गेट्स। शॉपिंग कर लूँ क्या, कहते हो क्या, बोलते हो यार पब्लिक? एक तो शनेल बनता है यार, अपने चैनल के लिए एक शनेल तो बनता है। यो गाइज तो अभी चेक इन कर लिया है, सब कुछ हो गया है, ड्यूटी फ्री पे भी घूम लिया, एक्चुअली घूम ही रही हूँ और अब सोच रही हूँ क्या खाऊँगी। सो आई वॉज ऑन अ डाइट इफ यू गाइज रिमेंबर, तो आज सोच रही हूँ खा ही लूँ, बहुत हो गया। और मैंने ना अपना जो वो ट्राईपॉड है ना अंदर रख दिया, बिकॉज इतना सारा सामान हाथ में नहीं पकड़ के घूम सकती। सो लेट मी शो यू दिल्ली ड्यूटी फ्री। देखा ही होगा यार किसी ने किसी के ब्लॉग में, खुद से आके भी देखा ही होगा, बट आज मेरी नज़रों से देख लो, मेरी नज़रों से देख लो। यस इज दिल्ली का ड्यूटी फ्री। गाइज दिस इज द सेल्फी स्टिक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। बड़ी कमाल की चीज़ है यार, मैंने ना इसके बारे में ना छोटा सा एक वो भी बनाया शॉर्ट। यार इसमें लाइट भी है। ओके आई एम गेटिंग ओवर एक्साइटेड फॉर नथिंग। बाय द वे डिड यू गाइस नोटिस माय हेयर? मैंने हेयर कलर करवाया है, कूल नो, अच्छे लग रहे हैं। चलो यार थक गए हूँ और बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। मतलब सोचो मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुँच गई हूँ, इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर पीपल। और शिनचैन की आवाज़ में मैं जल्दी पहुँच गया हूँ आज। ओके चलते ही जा रही हूँ। मेरी लाइट खुली रह गई, टॉर्च खुली रह गई है, इसमें तेज भी होती है। सी देयर आर टू मोड्स। किसी को इतना एक्साइटेड होते हुए देखा छोटी सी लाइट के लिए मैं हूँ। सो गाइस आई हैव जस्ट कम टू द फूड कोर्ट टू ईट एंड फाइनली आई एम ईटिंग सम पिज़्ज़ा आफ्टर सो लॉन्ग। एंड लुक एट दिस क्यूट बैग बाय यूट्यूब एज आई शोड यू बिफोर, क्रिएटर डे पे मिला था हमें ये। और बहुत सही है यार, इसमें अलग अलग पॉकेट्स हैं। दिस इज़ फॉर फोन, दिस फॉर कॉइन्स और योर एयरपॉड्स, दिस इज़ फॉर योर कीज एंड ऑल, एंड दिस इज़ द बिगर वन जिसमें मैंने पासपोर्ट एंड एवरीथिंग वॉलेट रखा है, एंड दिस वन मोर, इसमें आधार कार्ड और बाकी चीज़ें। प्रीटी कूल, दैट्स माय कैमरा बैग, यूजुअल स्टफ। अब देखो यार मेरे हेयर कलर दिख रहा है अच्छे से तुम लोगों को, बढ़िया लग रहा है ना? आई वॉज थिंकिंग एक्चुअली टू गेट हेयर कलर सिंस वेरी लॉन्ग, बट हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली गॉट माई हेयर कलर एंड एक्चुअली मैं सबको पसंद आ रहा है। सबसे अच्छी बात है मेरे भाई को पसंद आया और मेरे भाई ने नोटिस किया फर्स्ट टाइम, दैट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। ही सॉ मी एंड ही इज़ लाइक तूने हेयर कलर कराया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तो तूने मेकअप नहीं किया तो इतना अच्छा लग रहा है, मेकअप करके तो और अच्छा लगेगा। सो बस मेकअप करके तो कतल ही कर देंगे। जोक्स अबाउट यार वो ना सेल्फी स्टिक है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उससे बार बार शूट करने में बड़ी तकलीफ होती है। हे गाइस पिज्ज़ा आया है, पिज्ज़ा बहुत दिन बाद पिज्ज़ा खा रही हूँ और मेरा एज यूजुअल सामान फैला ही रहता है एज यू गाइस नो। और अब हम थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे। फाइनली रिवीलेशन ओके गाइस नाउ बोर्डिंग ये so excited. So guys, it's time to fly. Flight में आ गई हूँ और मुझे मेरी पसंद की सीट नहीं मिली जो मैंने बेसिकली बुक की थी, तो मैंने लड़ाई कर ली, यूजुअल लड़ाई क्या की, मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा रिफंड करो, बट ज़रूरत पड़ी नहीं, ये वाली सीट खाली है साथ वाली। सो आई विल सी यू इन, हमारा एक्चुअली हॉल्ट है हो ची मिन्ह में,
So I'll see you in Ho Chi Minh. Beach mein dikhaungi what I'm doing in the flight. Guys, kuch yaad aaya. Hum hain Ho Chi Minh. Yeah, one more time. I'm exactly 1 year baad main aa rahi hoon. Like I'm legit coming after 1 year and mujhe agle mahine fir se aana hai. I think I have some love for Vietnam. This होती है ना कुछ जगहें जिनके साथ आपका प्यार बहुत होता है तो बस. और हमने क्या किया, हमने ना 5 घंटा लेट की फ्लाइट कराई कनेक्टिंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि कहीं ये मिसेस ना हो जाए. सो वी जस्ट रीच्ड Ho Chi Minh. मेरे पास तो है वीज़ा, मैं तो सोच रही हूँ निकल लूँ यहाँ से अनमोल को अकेला छोड़ के. है अनमोल क्या बोलता है, निकल लूँ मैं बाहर. व्हाट आर यू सेइंग? वाओ, नाइट तो बड़ी अच्छी है यहाँ पे. I'm glowing. Now we are going for our next flight, which is in some time. Okay, Vietnam के एयरपोर्ट पे हैं हम. इंटरनेशनल डिपार्चर. हाउ कूल, क्यूट चीज़ है यार. गाइज, वाइल वेटिंग एट द वियतनाम एयरपोर्ट, Ho Chi Minh एयरपोर्ट, आई बॉट दिस. आई मीन लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज दिस कैमरा बैग. ऐसी क्यूट चीज़ों के लिए तो आई लिव फॉर सच क्यूट थिंग्स. और अब हम वेट कर रहे हैं फॉर आवर वियतनामीज कॉफी. यू गाइस नो हाउ मच आई लव वियतनामीज कॉफी, लाइक लव लव. सो नाउ आई एम गोना हैव माय कॉफी. यम. मैंने लास्ट टाइम भी यही दी थी. ये देखो यार, माँ ने बड़े प्यार से पराठे पैक करके दिए हैं. कहाँ से निकलेगा ये कॉफी यार. यार सडनली ना बड़ी अच्छी लाइट आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए. ओके, सो आई एम गोना टेल यू अ स्मॉल स्टोरी. इस साल मुझे लगा था कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप नहीं जा पाऊँगी बर्थडे पे, बिकॉज मैंने अभी बॉम्बे शिफ्ट किया है, बजट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल दैट. एंड आई वाज जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड आई वाज टेलिंग द यूनिवर्स यार कुछ तो करो, बिकॉज दीज डेज ब्रांड कोलैप्स भी ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं. सो आई वाज लाइक क्या किया जाए. एंड मैं यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ तो I was like, kya kiya jaye? I really want to go international. And then something happened and I got money to travel international. So I said, chalo, theek hai yaar, ye bhi sahi hai. Main save nahi kar paayi is baar, lekin mera international trip ho raha hai. So that's how I planned Bali. And I was like, aisi kaun si country hogi jo bahut zyada costly nahi hai, cost effective hai aur achhi bhi hai. So Bali was the first option in my head. And Anmol by chance said, ki chalo, main bhi chalta hun. He just passed. He doesn't want to be in the vlog, but he's like, चल यार मैं भी चलता हूँ. अनमोल का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है ये, isn't that? आओ फिर. अनमोल कह रहा है, now I can come in your vlog, but मैंने बोला आओ फिर, आएंगे रहा. But इसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है और इसका भी इतना फनीली बनाना, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे ना. I was like, यार इस बार ना बाली जाने का. It's a work कम लीजर बर्थडे ट्रिप. बेसिकली हम लोग शूट करने वाले हैं, बाद में बताऊँगी क्या, बट एज ऑफ नाउ ब्लॉग देख लो. सो हमारी फ्लाइट में ना अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं और पता नहीं अनमोल को किस बात की जल्दी है, भागी जा रहा है, कह रहे जल्दी चल जल्दी चल. एंग्जाइटी इसकी रूफ पे है, समझो. इतना टाइम है, इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ पे हैं, थोड़ी शॉपिंग करूँ, थोड़े पैसे बर्बाद करूँ, थोड़ा सा पैसा बहाया जाए बर्थडे पे, बट नहीं. Anmol thinks I'm Doraemon. No, I'm Shinchan. Guys, that's our destination. Then Pasar. And we are about to board. Almost there, guys. It's much nearer than we thought. Visibility of 10 kilometers. We got light winds from the south and temperature of 31 degrees. पहुंच गए, guys. पहुंच गए. यार ये कितना cool है. I love it. हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं बाली, देन सपार, देन पसार एयरपोर्ट, हाउस एवर यू प्रनाउंस इट. और स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बाली में जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ एक स्टैम्प है, ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ना ही वो आपसे कुछ साइन करवाते हैं, ना ही कोई फॉर्म भरवाते हैं, जस्ट एक स्टैम्प है एंड दैट्स इट. इट्स दैट ईजी टू कम हेयर. सो या कम हेयर, इन्जॉय. This is the coffee club, our first stop. खाना खा रहे हैं. I just bought a banana bread.
दिस इज द एरिया गाइज, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं हम. बहुत बड़ा बैरियर है इधर, एक घंटा हो गया, तकलीफ हो रही है. Oh God. Food? Yeah. Food? Yes. Food? We can order? Order is here? Okay. डेढ़ घंटा हो गया बैठे हुए, हमारा रूम गलत हो गया. Oh God. मिला था जो शुरू से खत्म हो जाता है, और लिटरली फोटोज में कुछ और था. मैं फोटो डालती हूँ ऊपर. हमने पूल व्यू मांगा था, यहाँ कोई पूल व्यू नहीं है. ये शुरू के खत्म हो जाता है बेसिकली. इसके लिए आई थी मैं बाली ये देखने. गाइस सॉरी, मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई डे वन का, बिकॉज कल कुछ ऐसा हो गया विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. मेरा मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया एक्चुअली. सो व्हाट हैड हैपेंड इज कि हमने जो रूम बुक किया था होटल में वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा फोटोज में है. हमने अगोड़ा से बुक किया था, लेकिन इट वॉज सो 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 बैड. इतना छोटू सा था वो, और उन्होंने वो पूल व्यू रूम रखा ही नहीं. इनफैक्ट पूल व्यू है ही नहीं यहाँ पे. तो जितने भी फोटोज हमने देखे थे वो सिर्फ एंगल का कमाल था, बिल्कुल बेकार था. तो वापस आके आई वॉज लाइक माय लाइफ इज अ शिट शो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. एक रूम तक नहीं बुक कर सकती मैं, तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला. कल का ब्लॉग मैं आज डालूंगी विद दिस क्लिप इन इट एक्सप्लेनिंग कि क्या हो गया था, रूम का प्रॉब्लम हो गया. तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं. बट इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट एंड वीव गॉट अ बिगर रूम इन द सेम होटल. और हम लोग कल नए होटल में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं रह सकते. बहुत ही एवी सा है बालिया के. अच्छा नहीं, अगर होटल बुक किया तो क्या ही किया. वी थॉट कि फॉर द प्राइस वी बुक दिस इज नाइस, बट नो इट्स नॉट. एनी वेज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना. आई विल सी यू सून.